छतरपुर जिले के लोकस नगर के पास सिंहपुर बांध बांध के पानी के रिसाव से ग्रामीण परेशान। किसानों के खेतों में पूरी साल भरा रहता है पानी, नहीं दिया जा रहा है कोई भी मुआवजा। बांध निर्माण के बाद नहीं हुआ पिचिंग का कार्य। बांध से हो रहे पानी रिसाव पर प्रशासन की सुस्ती से नाराज ग्रामीण, पलायन करने को मजबूर ग्रामीण। शासन प्रशासन के रवैये से नाराज किसान और ग्रामीण। शिकायतों पर नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। उर्मिल नदी पर बना है सिंहपुर बांध, बांध निर्माण की गुणवत्ता पर नहीं दिया गया ध्यान। MP7 न्यूज मध्य प्रदेश के लिए मुन्ना राजपूत के साथ लखन यादव। बोलो, ये जो नहर का बांध का प्रचंड का एक समस्या है, समस्या के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बांध में जो रिसाव होता है इसके कारण जो है रिसाव के कारण लोगों के कम से कम 500 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें जो है ना तो कोई फसल बो पा रहा है और परेशान है। प्रशासन को भी कई बार सुनाया गया लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं देता है। क्या जवाब है प्रशासन का? प्रशासन कहते हैं हम जो है नाली खुदवाते हैं, पिचन सही मनवा दे रहे, आपके खेत जो है बोने के लायक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। एक बार किसानों ग्रामीणों ने एक आंदोलन किया, यहाँ लोग सब लोग बैठे और नहर खोलने की मनाही की गई, लेकिन SDM साहब आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सब काम करवा देंगे, अभी आप नहर खुलवाओ, तो ग्रामीणों ने नहर जो है ओपन करवा दी, खुल गई। जब से अभी तक कोई सुनाई नहीं है, प्रशासन मौन बैठा है। खेत आप लोगों के बेकार हैं क्या? खेत हमारे खेतों में जो है आप ये माने कि यहाँ आके प्रशासन देखे और आप मीडिया के तहत इनको दिखाएं कि जो है कितना 500 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, यहाँ जो है इतना गुंदला खड़ा हुआ है, वहाँ पानी 12 मास पानी रहता है, वहाँ तो फसल बोने का कोई चांस ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। MP7 न्यूज़ की टीम इस वक्त खड़ी हुई है लोकुश नगर के पास गिलोहा गांव के सिंहपुर बांध पर। यहां उर्मिल नदी पर सिंहपुर बांध बना हुआ है, लेकिन इस बांध को बनाने में भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया गया है। ये बांध कब तक टिकाऊ रहता है या ये किसी दिन किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देगा, यह तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। यहाँ मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास इसके तथ्य हैं। तथ्य यह है कि आप मेरे पीछे बहता हुआ पानी देख रहे हैं, मैं अपने साथी रिपोर्टर से कहूँगा कृपया ये पानी दिखाएं। ये कोई पानी नहर का पानी नहीं है, ये बांध का पानी है। बांध बने हुए इतने वर्ष बीत गए, लेकिन इस बांध की जो ये रिसाव है जिसको पिचन कहते हैं, इस पिचन की सुधार के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों द्वारा कई बार बताया भी गया है प्रशासन को, लेकिन ग्रामीणों की बात प्रशासन शायद सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये पीछे आप देखते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पीछे मेरे कितने खेत दिखाई दे रहे हैं, ये इस पानी की वजह से पूरी तरह से वीरान और उजाड़ हो चुके हैं। यहाँ पे वर्ष भर पानी भरा रहता है जिसकी वजह से किसान अपने खेतों में फसल नहीं बो पाते हैं और किसानों को नुकसान का कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पीछे जो बांध बना हुआ है, इसी बांध के ठीक नीचे ये पानी ये रिस रहा है। ये 12 महीने पानी इसी गति से बर्बाद होता है। नहर यहाँ बगल में मुख्य नहर बनी हुई है, लेकिन मुख्य नहर तो खैर कभी कभार खोली जाती है, लेकिन ये नहर प्राकृतिक नहर के रूप में ही बन गई है। ये बराबर चल रही है और मेरे पास कुछ किसान भी खड़े हुए हैं। आइए हम किसानों से बात करते हैं कि आखिर इस पानी से आप लोगों को कोई नुकसान है? बहुत सारा नुकसान है सर। कैसा नुकसान है आपको? दिवाई नहीं हो पाती है क्योंकि 24 बीघा ज़मीन है यहाँ पे, वो भी 35-30 बीघा बीवी है और बाकी डली है। आप अपना नाम बताइए। आकाश सिंह यादव। आकाश सिंह यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गिलोहा मध्य। हाँ, तो देखिए गिलोहा मध्य के ये रहने वाले आकाश सिंह यादव जी किसान थे। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर लगभग 100 बीघा ज़मीन में से काफ़ी ज़मीन नहीं बिक पाती है। कारण उसका यह है कि यहाँ पर पानी लगातार भरा रहता है जिससे हम बिवाई नहीं कर सकते हैं। आइए, हमारे दूसरे किसान भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अब आप अपना नाम बताइए। प्रकाश यादव। प्रकाश यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले? गिलोहा। आप भी गिलोहा के रहने वाले हैं? आपके भी आसपास खेत हैं? जी सर, हमारी ज़मीन है सर। शिकायत भी की गई है उन लोगों से, भी कहते हैं कि ऐसी शिकायत तो आप करते ही रहोगे। हाँ, तो ये देखिए आप, ये प्रशासन की यहाँ पे तानाशाही भी सुनने को मिल रही कि ऐसी शिकायतें तो आप करते रहिए। CM हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी सर, वो कहते हैं ऊपर से हम बंद करवा देंगे, बस
हमें कुछ नहीं है उससे, बोले ई साहब आए थे जल विभाग के। जल विभाग के ई साहब पर इन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा था कि सीएम हेल्पलाइन में आपने शिकायत कर दी है, हम शिकायत बंद करवा देंगे। ये आप देख रहे हैं इस समय कितनी प्रकार की तानाशाही कही गई है, किसान कितने परेशान हैं, किसानों को न्याय कब मिलेगा। देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है और इसी कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत बहुत बुरी हुई लगी हुई है, बुरी बनी हुई है। एक पानी की समस्या, एक और जहां लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, वहीं दूसरी ओर पानी इस तरह से बर्बाद हो रहा है। सिंचाई विभाग क्या कर रहा है ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि किसानों की ये समस्या किस प्रकार से हल हो सकती है। आप लगातार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें MP7 न्यूज़ पर। मुन्ना राजपूत के साथ राम लखन यादव की रिपोर्ट।